जी व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। व्यूअर्स, आज जो है हम पल्सेटाइल टिनाइटिस के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, टिनाइटिस जो है आपको पता है कि एक बहुत ही अनॉइंग और एक बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली आवाज़ होती है, जो कभी कभार जो है किसी पेशेंट को उसके कान में हर वक्त सुनाई देती है। अच्छा, ये आवाज़ इतना परेशान करती है कि ये आपको जो है सोने नहीं देती, और आपका जो ज़ाहिर है कि एक जो लाइफ होती है डेली, वो आपकी बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो जाती है। अच्छा, तो कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो उसमें यंग बच्चे बच्चियां हैं, तो उन्होंने स्पेशली कहा कि बाजी इस पे जो है वो बना दें, पल्सेटाइल टिनाइटिस पे एक वीडियो प्लीज़ एक छोटी सी बना दें, तो ये उन सब के लिए है। अच्छा जी, पल्सेटाइल टिनाइटिस क्या होता है? अच्छा, टिनाइटिस जो है वो कुछ लोग टिनिटिस कहते हैं, कुछ लोग टिनाइटिस कहते हैं, मैं तो टिनाइटिस इसको प्रोनाउंस करती हूँ। तो ये कि पल्सेटाइल टिनाइटिस से, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसे में ऐसे पर्सन को जिसको ये वाला टिनाइटिस होता है, उसको जो है ना अपने कान में एक हार्ट बीट सुनाई देती है, या एक पल्स, आपको पता है कि जैसे हमारी पल्स होती है, इसमें एक जैसे एक आप हाथ रखें अपनी कलाई पे तो आपको जो है अपनी पल्स फील होगी, तो या इस तरह की ना ऐसे कुछ जैसे फ्लिकर सी होती है, जैसे एकदम जैसे यूं यूं करके, यानी एक बिल्कुल एक रिदमिक एक तो होगी आवाज, और वो एक बिल्कुल हार्ट बीट की तरह जैसे, तो ये पल्स की तरह का जो टिनाइटिस है इसको कहते हैं पल्सेटाइल टिनाइटिस। अच्छा, अब जो है ना इसकी बहुत सी वजूहात हैं, मैं सिर्फ जो है ना इसको वीडियो को शॉर्ट करने के लिए जो है ना सिर्फ वजूहात को बताऊंगी, और उसके लिए उसका क्या टेस्ट करवाना चाहिए और वो बताऊंगी, और इसमें ये है कि फिर आपको जो है ना अपने मुताबिक आपको अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करना पड़ेगा, और ये वाले टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और इसके बाद जो है ना फिर उसके मुताबिक जो है ना उसकी ट्रीटमेंट होगी। इधर ट्रीटमेंट ज़ाहिर है आपको पता है कि टिनाइटिस का वैसे तो जो दुनिया भर में यही कहा जाता है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो होते हैं अगर उनको अपनी वजह पता चल जाए तो वो ये होता है कि फिर आप जो है ना अपना टिनाइटिस जो है वो उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी, तो आज जो है पहले वजूहात की बात होगी, और इनमें से जो मजे की बात है कि इसमें से बहुत सी वजूहात जो हैं वो ट्रीटेबल हैं, इसलिए उम्मीद ये की जा सकती है कि जो आपका पल्सेटाइल टिनाइटिस है वो ठीक हो सकता है अगर आप इनमें से कोई सी एक वजह का शिकार हैं और इसका जो है ट्रीटमेंट मौजूद है। ठीक है जी, तो अच्छा जी, क्या वजूहात हैं पल्सेटाइल टिनाइटिस की? तो इसमें सबसे पहली वजह जो है वो आपका थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा हो या कम हो आपकी बॉडी में, जिसको आप कहते हो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, तो उसमें भी जो है ये पल्सेटाइल टिनाइटिस हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा, इसको कैसे हम चेक करेंगे? हम थायराइड हार्मोन लेवल्स चेक कर लेंगे ये वाले। अच्छा जी, फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है ना, देखें जो भी वजह जो आपकी हार्ट बीट को मुतासर कर रही है, आपके ब्लड को मुतासर कर रही है, तो वो जो है ना असल में पल्सेटाइल टिनाइटिस का जो है वजह हो सकती है। ठीक है, तो अब देखें हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म आपकी हार्ट बीट को अफेक्ट करता है, तो इसलिए जो है इसमें जो है ना टिनाइटिस जो कि जा रहा है वो पूरी बॉडी में ही जा रहा है, अगर वो उसका जो है ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब है तो फिर वो जा रहा है कान भी जो है ना वो उसको वो रिदम जो है वो कैच कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, एफिब जिन लोगों को है, एफिब्रिलेशन एरिदमियाज हैं हार्ट के, तो उनको भी जो है वो पल्सेटाइल टिनाइटिस आ सकता है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए ईसीजी करवाएं और अपने जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। ठीक है, और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं आपके बॉडी में बढ़े हुए हैं और आपकी जो है वो खून की नालियों में जम रहे हैं, तो अगर वो हो सकता है कि वो कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियाँ जो कान में हैं उसमें जम चुका है, तो जाहिर है कि भाई फिर क्या होगा कि आपको टिनाइटिस सुनाई देगा। ये अक्सर जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें ये वाला होता है, तो उन्हें क्या चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और लिपिड प्रोफाइल अपनी जाके चेक करवाएं, यानी लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी, यानी कुछ लोग होते हैं ना कि अब डिपेंड करता है कि वो मतलब आप पहले कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करवा सकते हैं, और अगर जो ज़्यादा डीप में जानना चाहते हैं तो वो लिपिड प्रोफाइल कंप्लीट करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा जी, अब एनीमिया, खून की कमी जिसको होगी उसको भी जो है जाहिर है कि भाई उसके हार्ट को जो है ज़्यादा पंप करना पड़ता है, जब आपकी बॉडी में खून की कमी होती है हार्ट पे प्रेशर पड़ता है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उससे भी जो है ना टिनाइटिस जो है प्रोड्यूस हो सकता है आपके कान में, और उसमें मतलब सुनाई दे सकता है। ठीक है जी, और इसमें एनीमिया को आप कैसे डिटेक्ट करोगे? खून की कमी है अगर आपको हीमोग्लोबिन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा टेस्ट है वो आप करा सकते हो। अच्छा, इससे बियॉन्ड आप जानना चाहते हो कि कौन सा वाला एनीमिया मुझे, तो उसके लिए जो होता है ना वो उसकी जो होती है
इसके ब्लड की स्टडीज होती हैं, ठीक है, और वो आपको जो है अपनी करवानी होती हैं। उसमें पता चलता है कि भाई जो है ना, जिसको ब्लड स्मेयर कहते हैं, तो इसमें पता चलता है कि भाई कौन सा वाला जो है ना टाइप ऑफ अनीमिया, क्योंकि डिफरेंट टाइप के अनीमियाज होते हैं। कुछ विटामिन B12 की कमी से होते हैं, कुछ जो है वो आयरन की कमी से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको वो प्रॉपर स्मेयर करवाना पड़ता है, तो उससे ही पता चल जाता है। लेकिन जस्ट खून की कमी द्वारा हीमोग्लोबिन, जिसका भी जो सा भी अनीमिया होगा, उसकी हीमोग्लोबिन लेवल जो है ऑलवेज कम होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाँ जी बिल्कुल। अगर किसी भी शख्स में अगर लो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उसमें भी जो है ना पल्सेटाइल टिनाइटिस अक्सर जो है मैंने देखा और सुना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपको जहन में रखनी है, अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवाएं, और उसको बल्कि घर में BP का आला रखें, और आप जो है अपना ब्लड प्रेशर चेक किया करें। अच्छा जी, तो ये हो गई, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। अच्छा जी, अब दो खतरनाक चीजें भी हो सकती हैं इसके पीछे। उसमें क्या होता है कि एनोरिज्म, और जो है ना, अगर एनोरिज्म ये होता है कि जैसे आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, आपके कान में कोई, और उसकी जो एक वॉल है वो ऐसे फूल गई है। ये किसी भी वजह से फूल सकती है, बाज का ये बाय बर्थ होती है, बाज का ये है कि वो जैसे इधर से वीक हो गई तो वो फूल गई, तो इसको कहते हैं एनोरिज्म, ठीक है। अब उर्दू में मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसका नाम एनोरिज्म ही होता है। एनोरिज्म का ये नुकसान होता है कि वो किसी भी वक्त फट सकता है, तो इसके लिए जो होता है ना वो, या बाज का होता है कि जैसे छोटी ब्लड वेसल है तो वो ऑलरेडी फट चुकी है, इसलिए जो है ना वो कान जो है ना टिनाइटिस दे रहा है, और वो बता रहा है कि भाई अच्छा भाई मुझे कोई मसला है। अच्छा जी, एनोरिज्म हो गया, ट्यूमर्स होते हैं कान में बाजों का, वो भी जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो भी उसकी वजह से भी जो है ना वो टिनाइटिस होता है। तो इसको कैसे डिटेक्ट करना पड़ेगा, MRI ब्रेन करवा के, ठीक है। अच्छा जी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाज का टिनाइटिस जो है देखने को मिला, तो इसलिए ये भी आप जो है अपने विटामिन B12 लेवल्स भी ना चेक करवाएं, ठीक है। इसमें पल्सेटाइल भी होता है, दूसरा वाला टिनाइटिस भी हो सकता है, इसलिए इसको मैंने अलग से लिखा। तो ये है, तो यानी अब देखें, आपको यहाँ से शुरू करें आप अपने जो है ना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने, और फिर MRI ब्रेन को बेशक आप आखिर में रखें। अगर जिसका कुछ भी नहीं निकलेगा तो फिर उसके पास सिर्फ ये ऑप्शन रह जाएगी कि MRI ब्रेन करें, या बल्कि बेहतर है कि इसको खुद से करवाने की बजाय आप अपने किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलोगे कि क्या मुझे ये ज़रूरत है या नहीं है। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगी कि जो नाइट में टिनाइटिस का जो बढ़ जाना है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।